नमस्कार, मैं उमेश करुणा, आप देख रहे हैं भोजन हलचल। आज हमारे साथ खड़े हैं पवन कुमार, जिनमें एक कलाकारी का हुनर है। ये मेरठ से हैं, एक बहुजन समाज से हैं, एक छोटे परिवार से हैं, जो कि कलाकारी का हुनर लिए हुए हैं। और कलाकारी में ये किसी भी आर्टिस्ट की आवाज़ निकाल लेते हैं और सिंगिंग भी कर लेते हैं। आज हम इनसे इनके हुनर से रूबरू कराएंगे आपको, आपको ये दिखाएंगे अपनी कलाकारी का हुनर। जी पवन जी, आप एक पहले सॉन्ग सुना दीजिए, छोटा सा, कोई अमिताभ बच्चन की आवाज़ में हो या किसी भी आर्टिस्ट की आवाज़ में। तो सुनिए, रंग बरसे बिगे चुनर वाले रंग बरसे, और किन मर पिचकारी तोरी बिगी अंगिया, और रसिया ओ रंग रसिया। ये अमिताभ बच्चन की, ये अमिताभ बच्चन की आवाज में गाना था जी। और किसकी आवाज़ में आप गा सकते हो? थोड़ा लंबा सॉन्ग सुनाने की कोशिश करिए, ये तो एक छोटा सा अंतरा हो गया, अंतरा भी नहीं है, ये तो शुरुआत थी। एक किशोर कुमार की आवाज़ में जी। रिम झिम गिर सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगी आज इस मौसम में लगे कैसी ये अगन। रिम झिम गिर सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगी आज इस मौसम में लगे कैसी ये अगन। रिम झिम गिर सावन। जी पवन जी, सॉन्ग से अलावा अब आप थोड़ा एक्टिंग दिखाइए, जो आप आवाज़ निकाल लेते हैं किसी भी आर्टिस्ट की, उस आवाज़ से हमें थोड़ा बताइए। आप सबसे पहले निकालिए शाहरुख खान की आवाज़, जो बॉलीवुड के बादशाह है इस समय। हाय दोस्तों, मैं शाहरुख खान और आप देख रहे हैं देश का नंबर वन यूथ चैनल मस्ती। अरे ये तो छोटी सी ख्वाहिश थी कि अंजलि अगर मेरे साथ होती तो बहुत कुछ हो सकता था, मगर आप लोग इस बात को ना माने, चोट लगती है तो दिल को पता चलता है। नो प्रॉब्लम जी। ये शाहरुख खान की थी, और अब आप हमें धर्मेंद्र जी की सुनाइए। मां कसम, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने आस पास वालों को देखता नहीं, सिर्फ उनका खून पी जाता हूँ। थैंक यू सर, नाइट, बाय बाय बाय, सी यू। जी बहुत अच्छा आप आवाज निकाल लेते हैं, और सुनाइए हमें दिलीप कुमार की। इराय ए कोई है, कोई है जो देख सके कि हमारा हाल क्या हो रहा है भाई? ना ना मुन्ने ना। अरे पहले तो घर से निकाल देते हो कि बाद में कहते हो कि बेटा मुन्ना ये गलत बात है, ऐसा करना गलत नहीं। ना मुन्ना ना, ब्रा, ये बात गलत नहीं है बेटा, गलत नहीं है। जी अशोक कुमार की, जो पुराने आर्टिस्ट रहे हैं अशोक कुमार, उनकी आवाज में। मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ट्रेन मांगो, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, रेलगाड़ी 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 रेलगाड़ी। ये संजीव कुमार की सुनाइए। मेरे को तो एक लगता है अब पागल है, मैं पागल है, अगर जब भी कुछ बात होती है तो लगता है मेरे मन में कुछ चल रहा है, ऐसा लगता है मैं पागल है। ओम प्रकाश की। अरे ओ अंजलि की बच्ची, वाह 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 वाह, मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तू मुझे भूल जा ये मैं होने नहीं दूंगा। अरे जन्म तो क्या तू अगले 7 जन्म तक मेरी थी, मेरी आ और मेरी ही रहेगी, वाह 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 वाह। ये तो हो गए पुराने आर्टिस्ट, और अब जो नए आर्टिस्ट है, नई जनरेशन के आर्टिस्ट है, उनकी आवाज़ दिखाइए निकाल के, जैसे कि सलमान खान की। अरे आप लोगों को किस तरह से बताना पड़ेगा, हाँ? अरे छोटी मोटी बातों को मत देख, अगर कुछ करना है तो आगे बढ़,
अरे तुझे कुछ लेना है? अरे मेरे पास है ना, मैं देता हूँ ना सबको, एक एक करके देता हूँ, वरना छोड़ना, इन बातों में क्या रखा है? जी साहब अली खान। वाव, आज मुझे इतना बड़ा सोना मिला है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वाव वाव वाव। ये राजपाल यादव की आवाज दिखाइए। अरे एक बार हम अगर कुछ पता चल जाए तो, रानी अगर हमें मिल जाए तो कमर कुछ भी खराब हो सकता है। अरे एक बार देख लेंगे, दूसरी बार देखने का मौका नहीं देंगे। अरे छोड़ ना कर, क्या बात करती है जी? सुनील शेट्टी की आवाज़। लोग मुझे पागल कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें अंजलि धोखा दे सकती है, मगर मैं अंजलि को कभी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि अंजलि से मैं मोहब्बत करता हूँ। बहुत अच्छा जी, गोविंदा की आवाज में बताइए। मैं तो साइकिल से चला था, वो तो पैदल ही आ रही थी कि ये टिंग टिंग का इशारा मुझे बदनाम किया रहा। ओ यार तुम्हें छोटी छोटी बात में गले तो यार, और छोटी छोटी बात में कुछ नहीं रखा, और मैं डरा स्टार सुपर स्टार टेनिस स्टार गोविंदा, यार तुम ऐसी बात करते ना भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार जी। अक्षय कुमार की आवाज में बताइए। ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप इस बात को पूछते, मगर छोटी छोटी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। ए, क्या बात कर रहे मामू भाई, ऐसा बिल्कुल करना नहीं, इस बात से मैं देखने वाला नहीं हूँ, छोड़ दे यार इन बातें को। शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज काफी पॉपुलर है, उसको सुनाइए। तुम ना किसी भी सड़वे आम की चोसी गुठली से मुझे मिलाया तो एक एक करके सबको गोली से उड़ा देना, एक बार कह देना कि छेनो आया था। हमाश नाने पाटेकर की आवाज बताइए। अच्छा लगता है, मैं जब किसी से बात करता हूँ मुझे अच्छा लगता है, तन बदन में आग लग जाती है, लोग मेरी सुनते नहीं, मैं उनकी नहीं सुनता। अरे मैं क्या सुनाऊँ, वो बात कलम वाली बाई बात बात नहीं करती, मैं उससे बात नहीं करना चाहता, वो मुझसे बात नहीं करती, मैं बीड़ी पीता हूँ उससे बात आती है। अच्छा है, अच्छा है। संजय दत्त की आवाज सुनाइए। संजय दत्त की। ए मामू, ए तुम लोगों को यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि आजकल वर्ल्ड में ना मेरा नाम चलता ही क्या। ए अगर भाई की जगह रहना है ना तो अपन जैसा ना तेरे को ठोक डालेगा। ए जानता नहीं है ये मामू, जानता नहीं है मेरे को, 50 तोला 50 तोला ये बात करता है सेल। जी अपनी मर्जी से, और अभी आर्टिस्ट में नॉलेज में तो है नहीं कोई बचा हुआ, आप बताइए किसी और की अगर अच्छी से आप। मुकेश खन्ना जी ले लीजिए। मुकेश खन्ना। गंगा तुम इस बात को मत मानो गंगा, के मेरा पुत्र का विवाह तुम्हारे पुत्र से नहीं हो सकता। अरे ये सब कुछ गलत है गंगा, गलत है सब कुछ गलत है। अरे मैं कैसे मान लूं ये बात जो तुम कह रही हो, सत्य नहीं है गंगा, सत्य नहीं है। जी अब आर्टिस्टों से अलावा पॉलिटिकल जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी आवाज निकाल के दिखाइए जी। मित्रों, बहनों और भाइयों, आज इस देश का जो भविष्य है वो आप लोग साक्षात देख सकते हैं। हमारे देश में ऐसा कानून बनाया है जिसे देखकर पड़ोसी मुल्क की हवा खराब हो गई है, हवा खराब हो गई है बहनों भाइयों। जी अब एक गाना सुनाइए, कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनाइए, जैसे कि हिमेश रेशमी की आवाज़। नजरों में तेरी कशिश का आलम, दिल में है अरमानों की सरगम, जो भी किया जा जा किया जा तेरे इश्क में, मर जाऊं मिट जाऊं लुट जाऊं मैं, मर जाऊं इस कर्ज पे, मर जाऊं मिट जाऊं लुट जाऊं मैं, मर जाऊं इस कर्ज पे। जी बिना साज के गाने में थोड़ा मजा नहीं आया, अगली बार हम साज का प्रबंध रखेंगे और साज के साथ दर्शकों को कुछ और गाने सुनवाएंगे जिससे कि और आनंद ले सके। और भी कोई सॉन्ग है जो आपको अच्छा लगता हो और अच्छी तरह से आप उसको सुना सकते हैं, वो आप सुनाइए।
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उल्लै उल्लै ओ 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 उल्लै उल्लै ओ। पवन जी, और एक सॉन्ग आप ऐसा सुनाइए जिससे दर्शकों को आनंद भी आए और आंखों से आंसू भी आए। कोई सैड सॉन्ग सुनाइए या कोई देशभक्ति सॉन्ग सुनाइए। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, मिलो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। जी, आज के लिए इतना ही काफी है पवन जी। ये हमारे साथ पवन जी है जो कि बहुजन समाज से है, एक गरीब परिवार से है, जिनके अंदर एक हुनर है कलाकारी का और थोड़ा सिंगिंग का, जिसको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और वो प्लेटफॉर्म अभी तक इनको नहीं मिल पाया। शायद वो जल्दी ही मिल जाए। हमारी कोशिश ये रहेगी कि पवन कुमार जी के जैसे और भी गरीब परिवारों में जो हुनर लिए हुए हैं उनको चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचाया जाए। और आज के लिए इतना ही काफी है पवन जी को, हम इजाज़त देते हैं। और आप देख रहे थे बहुजन अंचल में उमेश करुणा। धन्यवाद जी पवन जी।